गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नगर निगम कवि नगर का निर्माण विभाग का ऑफिस रात में शराब का अड्डा बन जाता था। जूनियर इंजीनियर और उनके मित्र ठेकेदार यहां पर शराब पीते थे। अपर नगर आयुक्त ने इन्हें शराब पीते मौके पर पकड़ लिया, जिसके बाद जय योगेश कुमार से 7 दिवस के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। शासन ने जय योगेश कुमार का 6 महीने पहले ही ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन इसे भी अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, नगर निगम कवि नगर के निर्माण विभाग में शराब पी जाती थी। जूनियर इंजीनियर और उसके साथी ठेकेदार मिलकर दफ्तर में ही शराब पीते थे। नगर आयुक्त ने जेई को ऑफिस से रंगे हाथों अब पकड़ा है। अब देखना होगा क्या आगे कार्रवाई की जाती है। जेई को 7 दिन की रिमांड दी गई है, स्पष्टीकरण उसमें मांगा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जूनियर इंजीनियर और उनके साथी ठेकेदार दफ्तर में शराब पीते थे, जिसके बाद नगर आयुक्त ने जेई को ऑफिस से रंगे हाथों पकड़ा है। 7 दिन में स्पष्टीकरण का नोटिस भी दिया है। शक्ति पंडित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर? गुंजन, देखिए, अगर मामले की जानकारी इस प्रकार है कि गाजियाबाद नगर निगम में जहां पर एक जेई है और जेई का नाम है योगेश कुमार, जो कि काफी समय से यहां पर तैनात है, 6 माह पहले इसका ट्रांसफर देवबंद, सहारनपुर के देवबंद में कर दिया गया था, लेकिन अभी तक भी इसे यहां से रिलीज नहीं किया गया। तो कल रात की बात है जहां पर अपर नगर आयुक्त जो इसका कार्यालय वहां पर पहुंचते हैं, रात्रि 9 बजे वहां पर शराब चल रही थी, वहां पर मदिरा चल रही थी, टेक ऑफ होकर रोजाना ये कार्य किया करता था, जिसके बाद शिकायत की गई और शिकायत पे वहां पर रात्रि में छापा मारा गया। हालांकि इसको इसे नोटिस जारी किया गया और इससे स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन जिस जेई का 6 महीने पहले ट्रांसफर हो चुका है और आचार संहिता लगने के उपरांत सभी जगह ट्रांसफर जो प्रक्रिया है वह शुरू हुई थी, और जिसके बाद ये जेई बताया जाता काफी मजबूत है और काफी इसके राजनीतिक लोगों से काफी पकड़ है। वहीं यहाँ मुरादनगर में एक हादसा हुआ था जिसमें 24 लोगों की जान चली गई थी, जो उसका मुख्य आरोपी था अजय त्यागी, तो उसका भी ये दोस्त माना जाता है, उसका भी ये काफी नजदीकी माना जाता है और काफी अच्छे इनके संबंध हैं, संपर्क हैं, अगर कहें तो नेताओं से, तो जिसके चलते अभी तक भी इसे यहाँ से रिलीज नहीं किया गया। सोचने वाली बात यह कि 6 माह हो गए, ये कुछ भी करता है, अपनी मनमानी चलाता है, अपने कार्यालय में बैठकर शराब पीता है, लेकिन अभी तक इसे रिलीज क्यों नहीं किया गया? नगर आयुक्त ने यहाँ पर अपर नगर आयुक्त के द्वारा छापा लगवाया, लेकिन छापे में ये वहां पर शराब मदिरा करता हुआ अपने कार्यालय में मिला, अपने ऑफिस में मिला, लेकिन इसे अभी तक भी रिलीज क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई? सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति करते हुए एक नोटिस जारी किया गया कि 7 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें। तो 7 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण क्या होता है ये सबको मालूम है, क्योंकि अगर इसके राजनीति पकड़ ना होती तो 6 माह पहले ही यहाँ से इसे रिलीज कर दिया जाता और ये रिलीव कर दिया जाता। और बिल्कुल बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि स्पष्टीकरण में क्या कहा जाता है। शुक्रिया शक्ति आपका जानकारी के लिए।